देखा हो रिसेंटली कि भारत के फॉरेन मिनिस्टर जो डॉक्टर जयशंकर हैं, उन्होंने वो टफ लाइन ली है पाकिस्तान के ऊपर, और वो एक जगह पे बैठे हुए ये कह रहे थे कि इंडिया जो है वो तो आईटी को एक्सपोर्ट करता है, लेकिन जो पाकिस्तान है वो इंटरनेशनल टेररिज्म से उसका ये मतलब है। अब क्वेश्चन ये है कि, और काफी देर से ये हो रहा है कि पाकिस्तान से कोई शख्स उनको रिस्पॉन्ड नहीं करता, पाकिस्तान से कोई शख्स उनको रिस्पॉन्ड नहीं करता। और अगर आप ये देखें कि एक दफा, दो दफा, तीन दफा, चार दफा, लेकिन कभी किसी शख्स ने ये पाकिस्तान से, एज ए फॉरेन ऑफिस से, फॉरेन मिनिस्टर ने, एक आम किसी पाकिस्तानी मिनिस्टर ने कभी रिस्पॉन्ड नहीं किया उनको। सो डॉक्टर जयशंकर जब इस तरह की बात करते हैं तो बड़ी नाप तोल के करते हैं, बड़ा सीजन डिप्लोमेट है। अगर आपको याद हो जब ये नूपुर शर्मा वाला वाकया हुआ, मिडल ईस्ट वाला सारी, तो डॉक्टर जयशंकर कुछ भी नहीं बोले थे। इट वॉज द पार्टी विच वॉज स्पीकिंग, पार्टी की तरफ से बयान आ रहे थे, नरेंद्र मोदी डील कर रहे थे। डॉक्टर जयशंकर को उन्होंने रखा हुआ है टू डील विद द वेस्टर्न एंड द अमेरिकन्स, और बड़ा केयरफुली वो बात करते हैं। पाकिस्तानी सरकार इससे क्या हासिल करना चाहती है जब वो समझते हैं कि हमें इंडिया को जवाब नहीं देना। मिसाल के तौर पर अब डॉक्टर जयशंकर, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने कल इसको रिव्यू किया है, उन्होंने कहा है जी कि ये जो एम्प्लॉइंग इन्वॉल्वमेंट इन टेररिज्म जो है ना, इसको हम कंडेम करते हैं, कैटेगोरिकली रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, एक तरफ वो आपकी, जब उनका दिल करता है आपके ट्विटर हैंडल बंद कर देते हैं, इंटरनेशनली वो आपको जहाँ जो दिल करता है आप कहते हैं, आपको F-16 की जो सेल्स क्यों की गई है $450 मिलियन की, जब उनका दिल करता है, जैसे उनका दिल करता है वो आपको रिस्पॉन्ड कर लेते हैं और वो आपके बारे में बयान दे देते हैं। लेकिन पाकिस्तान से कभी किसी ने बयान नहीं दिया। मेरी मेरी ये जिसे कहते हैं ना, एक नादान सोच में ये सब कुछ नहीं आ रहा। अब डॉक्टर जयशंकर ने कारण कहा जी कोई दुनिया में ऐसा मुल्क नहीं है जिसने टेररिज्म को, दहशतगर्दी को प्रैक्टिस किया हो जिस तरह पाकिस्तान ने किया है, और मुझे बताएं दुनिया में कहाँ हुआ है, और ये इंडिया के खिलाफ कर रहा है। और उन्होंने कहा इंडिया जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट है, पाकिस्तान इंटरनेशनल टेररिज्म का एक्सपर्ट है। अब जब पाकिस्तान, अब इसमें दो चीजें हैं, एक चीज तो ये है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो अमेरिकन का एक दोबारा जो रोमांस पाकिस्तान के साथ शुरू हुआ है, दिस इज वॉट आई थिंक डॉक्टर जयशंकर को और इंडिया को अच्छा नहीं लग रहा। हालांकि इस रोमांस में कोई जान नहीं है, जान इसलिए नहीं है बिकॉज पाकिस्तान में कैपेबिलिटी नहीं है। अगर पाकिस्तान में कैपेबिलिटी होती तो जब 15-18 साल अमेरिका पाकिस्तान में बैठा रहा, अफगानिस्तान में बैठा रहा, तो वी कुड हैव गॉट सो मच फ्रॉम देम। अब वो चले गए तो हम भाग रहे हैं पीछे वॉशिंगटन जाके, हम तरले मिनते कर रहे हैं, नहीं आप ये करें, नहीं आप वो करें, ऐसे तो चीजें नहीं होती। अब डॉक्टर, अच्छा बिलावल भुट्टो तो इनको जवाब ही नहीं देते। अच्छा इमरान खान ये था कि वो जवाब जरूर देता था। अब पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं जनरल बाजवा, ही इज इन वॉशिंगटन न्यूयॉर्क में, और उन्होंने न्यूयॉर्क में मुलाकातें की हैं, और सारी बात है न्यूयॉर्क में वो यूएन में गए हैं, वहाँ पे जो यूएन जनरल सेक्रेटरी के जो मिलिट्री एडवाइजर है उनसे उन्होंने मुलाकात की है, और जो यूएन के मिलिट्री एडवाइजर हैं वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो दहशतगर्दी की जंग में कुर्बानियाँ हैं उसको हम अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा सारी दुनिया इंडिविजुअली इंडिविजुअली अप्रिशिएट करती है, लेकिन भारत जो है वो जब इसका दिल करता है वो कह देता है देखो जी ये तो नहीं हुआ, ऐसे तो नहीं हुआ, ये तो इन्होंने ऐसे किया, इन्होंने वैसे किया। दो एंगल हैं इसमें, एक एंगल तो यह है कि भारत वो ट्रेन मिस कर गया क्या, जब इंटरनेशनल कम्युनिटी ने बैक इन 2010 अफगानिस्तान में जब उनको वो जो रिजल्ट मिलने पाए ना आए, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया जी पाकिस्तान जो है ना इट्स एक तो रोग स्टेट है, द रियल एनिमी जो है वो पाकिस्तान है, किताबें लिखी जानी शुरू हो गई पाकिस्तान में, फाइटिंग द रॉन्ग एनिमी के नाम से आई थिंक एक किताब लिखी गई कि असल एनिमी जो है वो तो पाकिस्तान है। वॉशिंगटन में थिंक टैंक, इसका इंडिया ने भी बड़ा, अफगानिस्तान ने बड़ा फायदा उठाया, वहाँ पे करजई ने और अशरफ गनी ने, और इधर से इंडिया ने बड़ा फायदा उठाया। लेटर ऑन 2010-2012 में इंडिया को पता चला दैट वी शुड लिंक पाकिस्तान विद द टेररिज्म बिकॉज देखें कि इंटरनेशनल डिस्कोर्स डेवलप हो रहा है। अब इंटरनेशनल कम्युनिटी चली गई है लेकिन इंडिया वहीं खड़ा हुआ और वो एक ही चीज़ है वो कर रहा है कि देखें जी। एंड इन बिटवीन पाकिस्तान की फेल्ड डिप्लोमेसी जो है उसने जो कश्मीर का जो इशू था वो सारे का सारा दैट बिकेम, उसकी जो जो रेलिवेंस बनी वो ये बनी कि उसको उन्होंने दहशतगर्दी से लिंक कर दिया।
So whatever is happening in Kashmir, they link it automatically with Dashatgarthi. और अगर आपको याद हो, क्योंकि हम लोग ध्यान नहीं देते, तो और मैं पता नहीं चलता, अगर आपको याद हो कि जब सर्जिकल स्ट्राइक की थी इंडिया ने, तो nobody from international community supported Pakistan. सब ने एक ही बात की, उन्होंने कहा हाँ जी ये इंडिया का एक legitimate हक है. That was a very significant बात थी, बहुत significant थी उसकी. उन्होंने कहा जी ये ठीक है, they came from a hot pursuit, they came for something like this and this is their right and so so internationally Pakistan की किसी ने बात नहीं सुनी. अब इसमें एक तो पाकिस्तान के अंदर जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, आपस में मारधाड़ हो रही है, किसी को कुछ पता नहीं दुनिया में क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे तख्त की जंग है, कुर्सी की जंग है. और ये कुर्सी की जंग इतनी तेज हो गई है कि जो इस्टेब्लिशमेंट इसमें कर रही है, अदालतें कर रही हैं, जो चीज़ें हो रही हैं, गंद जो है वो अपने अरूज पे है इस वक्त.